Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Imad Electronic. Assalamu alaikum. आज की इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कमेंट के जरिए कि AVR का अल्टरनेटर कैसे ठीक करते हैं। तो मेरे पास ये AVR का अल्टरनेटर है जिसे मैं ठीक करने के लिए आया हूँ। और पहले देख लेते हैं AVR क्या चीज़ होती है। AVR ये होता, इसका AVR का मतलब होता ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, वो ये होता। और ये थ्री फेस का अल्टरनेटर है AVR वाला। पहले सही तरीके से देख लेंगे इसे, ये अल्टरनेटर है और ये वेल्डिंग पे लगा हुआ है। अब इसके अंदर शिकायत ये आ रही है कि वेल्डिंग करते करते अचानक में करंट छोड़ा है और ये अब करंट नहीं निकाल रहा। तो इसके मैं पूरी रिपेयरिंग की, मतलब अंदर से तो वाइंडिंग नहीं करूँगा, लेकिन ऊपर से जो हो सकता है वो करके दिखाऊंगा और इंशाल्लाह करंट भी निकाल दूंगा इससे। तो थ्री फेस को चेक करने के लिए सबसे पहले हम फेस चेक करेंगे। फेस तो आपस में शॉर्ट हुए हुए नहीं है। तो ये नज़र आ रहे होंगे, मैंने सारे फेस इसके अलग कर लिए। ये जो हमारा न्यूट्रल बना हुआ था, स्टार का न्यूट्रल बना हुआ था, वो मैंने अलग कर लिए। इधर के तीनों फेस अलग हैं। अब इसका चेक करने का तरीका ये होता है कि आपस में एक दूसरे से नहीं बोलना चाहिए, जैसे मैं चेक करके दिखा रहा हूँ अभी मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर को हम कनेक्टिविटी पे सेट करेंगे, उसके बाद में ये फेस चेक करेंगे। आपस में तो नहीं बोल रहे, ये इससे बोल रहा है तो दूसरे से किससे नहीं बोलना चाहिए, जैसे कि नहीं बोल रहा है इससे बोल रहा है। अब ये है, ये इससे बोल रहा है तो इन दोनों से नहीं बोलना चाहिए। ये यानी एक फेस दूसरे से नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ अपने ही सिरे से बोलना चाहिए। इससे बोल रहा है तो यानी हमारे ये फेस तो, ये फेस तो ठीक है हमारे। अब हम बॉडी शॉर्ट चेक कर लेते हैं, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। एक बार देख लेते हैं, बॉडी शॉर्ट भी नहीं है, बॉडी शॉर्ट भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसे वैसे ही लगा देंगे स्टार बनाकर, इससे न्यूट्रल निकलता है। इसे तो ये दो तार मैंने लगाए हैं, एक न्यूट्रल और एक फेस में, इसलिए क्योंकि AVR AC सप्लाई भी मांगता है न्यूट्रल फेस की, जो मैंने इसमें एक न्यूट्रल में लगा लिया और एक फेस में, ये AVR को देनी है और AVR आउटपुट निकालेगा इसकी एक्साइटर की फील्डों के लिए। नट अच्छे से टाइट कर लिया है हमने, और टाइट करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि लूज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, और इतनी ज़्यादा ज़ोर भी मत लगाना कि स्टिक भी टूट जाए। अब ये तो हमने टाइट कर लिए और अंदर से अल्टरनेटर भी चेक कर लिया, ओके है। अब हम क्या करेंगे, AVR लगाने से पहले अल्टरनेटर से करंट निकलवा के देखेंगे कि
अल्टरनेटर पूरी तरीके से सही है या कुछ गड़बड़ है, तो उसमें हमें क्या करना होगा, बगैर एवीआर के करंट निकलवाने के लिए हमें इसकी जो एक्साइडर की फील्डा होती हैं ये अंदर, इसमें डीसी करंट लगाना होता है बैटरी का। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, पहला जनरेटर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये तो हमारा कंफर्म हो चुका है कि हमारा अल्टरनेटर बिल्कुल ओके है। और दूसरा इसका मल्टीमीटर से चेक करने का भी तरीका होता है, स्टार्ट करके वोल्टेज निकालता है ये, लेकिन 1, 2 या 5 वोल्ट निकालता है, वो मैं बाद में किसी वीडियो में बता दूंगा। और एवीआर चेक करने का तरीका भी दूसरी वीडियो में दिखा दूंगा, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब बारी आती है इसके एवीआर के कनेक्शन करने की, तो इसके कनेक्शन भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है जो मैं दिखा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। ये F प्लस F माइनस दिखाई दे रहा है, ये एक्साइडर की जो फील्डर होती हैं उसमें लगते हैं दोनों तार। F प्लस की जगह लाल लगेगा और F माइनस की जगह काला लगेगा या नीला, जो भी कलर होगा। बाकी N दिखाई दे रहा है, इसमें न्यूट्रल लगेगा। R और Y में फेस के लगेंगे, कोई समय भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, उसके बाद भी अगर करंट नहीं निकाला इसने, क्योंकि नया एवीआर लगाने के बाद में अल्टरनेटर करंट नहीं निकालता, कभी दिक्कत कर देता है, तो वो भी दिखाऊंगा कैसे करंट निकलवाना है इससे। अब एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं, कनेक्शन मैंने कर दिए। पहली बात तो अल्टरनेटर करंट निकाल देगा, और नहीं निकालेगा दूसरा तरीका बताता हूँ। तो जैसे मैंने देखा है अल्टरनेटर ने करंट नहीं निकाला, उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, उसके लिए अब हमें ये करना होगा, ये जो एक्साइडर की फील्डें हैं, ये जो तार लगे हैं, इनमें F प्लस पे बैटरी का प्लस वाला तार लगाएंगे और F माइनस पे बैटरी का माइनस वाला तार लगाएंगे, और उसके बाद में देखते हैं फौरन करंट निकाल देगा अल्टरनेटर।
तो अभी मैं जितनी देर करंट लगा रहा हूँ उतनी देर करंट निकाल रहा है, देख लूँ एक बार, हो सकता है फ्यूज़ में कोई दिक्कत हो मल्टीमीटर से चेक करके, और अगर फ्यूज़ सही है तो फिर एवीआर हमारा ख़राब हो चुका है। तो फ्यूज़ सही है हमारी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एवीआर हमारा बार बार काम नहीं कर रहा। एक बार और देख लेता हूँ, वरना फिर हमारा एवीआर ख़राब है। इसका चेक करने का तरीका भी दूसरी वीडियो में बता दूँगा। दोस्तों हमारा ये एवीआर ख़राब हो चुका है, अब हम इसमें नया एवीआर इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में देखते हैं। तो ये नया एवीआर हमने ले लिया है, अब इसके कनेक्शन भी ऐसे ही होंगे जैसे मैंने बताया था, बाकी कोई इसमें ज़्यादा बड़ा कोई मसला नहीं है। तो ये होगा, एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों नया एवीआर लगाने के बाद में करंट लगाना पड़ जाता है, अब दोबारा करंट नहीं लगाना पड़ेगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं स्टार्ट करके। तो दोस्तों ये थी हमारी थ्री फेस एवीआर अल्टरनेटर की चेक करने की और ठीक करने की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह। प्लीज़ माई चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।